30,000 मेट्रो स्टेशन के पास, और ये देखिए जो अप्रवासी मेहनत कश लोग हैं वो किस तरह से रात भर ऐसे ही घूमते रहते हैं। कहाँ जा रहे थे भैया, बात नहीं करेंगे? कहाँ जा रहे थे आप लोग? यहाँ रहते हैं पटना। तो क्या हुआ यहाँ पे, खाने पीने का कमी पड़ गया पैसे कौड़ी का? अच्छा, रोज कमाते हैं, रोज दूसरे से पैसा। तो किरायेदार रेंट भी मांग रहा था? किरायेदार रेंट भी मांग रहा था, ये रेंट मांग रहे थे। आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम प्रकाश कुमार हुआ। क्या करते थे प्रकाश? मैं ऐसे काम करता हूँ स्पोर्ट लाइन में। तो क्या हुआ, 50 दिन तो हो गया था, और कुछ दिन रुक जाइए। सोचे कि अब ये सब बड़े बड़े यहाँ भी जा सकते हैं, इसलिए हम लोग ये सोच कर निकल पड़े। ऐसे भी टिकट नहीं बन रहा है ना, 3,000 रुपया लग रहा है। हम लोग के पास होगा 3,000 नहीं, हम लोग बना पाएंगे नहीं जा पाएंगे। तो क्या डेरा मालिक जहाँ किराए पर रहते थे वो पैसा मांग रहा है? ऐसी कोई बात नहीं। तो 50 दिन से कोई मदद नहीं मिली सरकार? नहीं। अब कितना पैसा बचा है? पैसा नहीं है। तो कैसे कैसे आप आगे कैसे गुजारा करोगे? पता नहीं जाएंगे। सरकार कह रही है, अनाउंस कर रही है बहुत सारे स्कीम, पता है? तो देखिए ये मेहनत कश लोग हैं, इनको बहुत वोकल नहीं है, बहुत बात करने की आदत नहीं है, इसलिए इनको लगता है कि कोई मुसीबत में ना पड़ जाए। तो आज रात भर आपको दिल्ली के नज़ारे दिखाऊंगा। इस समय मैं 30,000 मेट्रो के पास था और ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। देश में अफरा तफरी होगा, मैं स्टेशन के पास हूँ, ये अंबेडकर भवन है, और वहाँ लोग जो हैं रात में बैठे हुए हैं, ट्रक वालों से शायद बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। सब डरे सहमे हैं, उनको लगता है कौन है नहीं है, और चूंकि मीडिया ने खबर दिखाई नहीं इन लोगों की, तो ये लोग। आप लोग स्टेशन गए थे, भगा दिया वहाँ से? स्टेशन गए थे क्या? नहीं जा रहे। कहाँ जाना है आपको? आजमगढ़। तो क्या ट्रक वालों से बातचीत हो रही है? तो देखिए लोग गाड़ी वालों से ट्रक वालों से बात कर रहे हैं। अंधेरा है, रात है, अभी अंबेडकर भवन के पास हूँ मैं। और कहाँ जाना है भैया आपको? ये देखिए कहाँ जाना है आप लोगों को? बॉर्डर कहाँ से आए थे? ये देखिए गाड़ी वाले जो हैं वो अब निकल रहे हैं। कितना पैसा मांग रहा था? पैसा का लिया तो कुछ नहीं बोला सर। कहाँ जाना, कहाँ था आप लोग? सर हम लोग को बॉर्डर जाना है। तो अभी कहाँ से आ रहे हैं? भवाना से। तो जाना कहाँ है? बदरपुर बॉर्डर। वहाँ से फिर कहाँ जाएंगे? बिहार। कैसे जाएंगे सर? हम लोग का प्रधान बस करके भेजा। किसने कहा बस का इंतजाम है? हमारे वहाँ मालिक हाँ। उनको बस की इंतजाम करेंगे सर। तो बोला जी तुम जाओ जाओ हाँ। सारे और भी हाथ बांधे हैं वहाँ, उन लोग अपना डेरे हैं, उनके वहाँ रहेंगे, जब गाड़ी करके हम लोग को घर ले जाएंगे। तो देखिए ये लगातार लोग जो हैं वो स्टेशन की तरफ है, और पूरे देश में इसी तरह के हालत हैं। अंदाजा लगा सकते हैं रात के 12:30 बज रहे हैं, और लोग किस तरह से बेतरतीब भटकने को मजबूर हैं। ये देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी लोग ही लोग हैं, जनता है। तो ये स्टेशन तो नज़दीक है, आप लोग स्टेशन पे अभी कहाँ जाएंगे आप? सर हम लोग बॉर्डर से जाएंगे, हम लोग ना यहाँ रहने का जगह है, खाने पीने की जगह ना कुछ करेंगे सर, वहीं पे खाना वाना खाएंगे। तो देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लोग डर भी रहे हैं, सशंकित है। इस देश की मीडिया पर शर्म आती है, उन्होंने खबरें नहीं दिखाई, और जिस वजह से सरकार भी पता नहीं चल पाया, सरकार को इनिशिएट नहीं कर पाई। रात का अंधेरा है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, और सोचिए कि रात रात भर लोग इसी तरह से पूरे देश में सड़क पर किस तरह से लॉकडाउन की वजह से लोग जो ये देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, सड़कों पर आराम कर रहे हैं, और एकदम अंबेडकर भवन के पास हूँ मैं, और यहाँ से काफ़ी नज़दीक है नई दिल्ली स्टेशन, और लोग डरे सहमे हैं, बात करने से भी कतरा रहे हैं। चूंकि मैंने मोबाइल शुरू किया है तो उनको लगता है कौन है नहीं है, तो वो यहाँ से भाग भी रहे हैं। तो आप लोगों को पता है स्टेशन बगल में है रेलवे स्टेशन? सर हम लोग स्टेशन से किया ना, हम लोग वो जगह पर स्टेशन से तो हम लोग का कोई सुविधा नहीं है सर, सुविधा नहीं बनाता है। अच्छा, तो आप लोग घर जाना चाहते हैं जी? तो अब तक कोई मदद नहीं मिली सरकार से? 50 दिन हो गए मदद नहीं मिली? नहीं मिली सर। क्या करते थे आप लोग? हम लोग पानी का काम कर रहे थे। तो अब तक कैसे गुजारा किए सर? हम लोग जितना काम करके रखे थे ना वही खाना वाना उसी में खा रहे थे।
तो देखिए ये लाचार बेबस मजदूर कर दिए गए हैं, ये वो लोग हैं जो मेहनत का स्लोग है जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था चलती है, जिससे फैक्ट्रियां चलती है, जिससे देश का अर्थव्यवस्था चलता है। लेकिन किस तरह से लॉकडाउन, एक ऐसा लॉकडाउन जो मनमाने तरीके से लागू कर दिया गया, कोई प्लानिंग नहीं हुई, और अब जब लोगों की जान जाने लगी है तो सरकार जो है वो अनाउंसमेंट के नाम पे सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट कर रही है, हेडलाइंस मैनेजमेंट कर रही है। और आप रात में निकलिए साहब, देखिए हर देश के हर शहर में इसी तरह के हालात हैं, और लोग जो हैं वो सड़कों पर बिखरे पड़े हैं, मजबूर हैं, बहुत बेचैन हैं सर। हैं हम लोग सर बहुत बेचैन हैं, खाना वाना नहीं मिल रहा है सर, तो अब तक कैसे गुजारा कर रहे थे 50 दिन? मेहनत किए तो मेहनत का पैसा, मेहनत जितना दिन किए थे उतना दे, जितना दिन कमाई किए थे उतना पैसा बचा हुआ था, उतना पैसा खाए एक एक। जहाँ हमारा मालिक है वहाँ हम लोग पहुँचेगा, वहाँ से कैसे ले जाएगा? हम लोग यहाँ पर खाने पीने का जगह नहीं है, मकान मालिक को पैसा देने का जगह नहीं, पैसा नहीं है, तो वहाँ से हम लोग वहाँ से मैंने के पैदल चलना पड़ा है। चलिए हम लोग का खाने पीने का, कब से पैदल चल रहे हैं आप लोग? खाने वाने देता वही खा पीते पीते हम लोग चलते जाते हैं। कब पैदल चले थे? पैदल सर 3 बजे से चल रहे हैं। तो ये 3 बजे से दिल्ली में ही भटक रहे हैं और संख्या बढ़ती जा रही है। तो आप जहाँ भी जाएंगे पूरी दिल्ली में इसी तरह के हालात हैं, लोग सड़कों पर हैं बेतरतीब तरीके से। कहाँ बात हो रही थी कि लॉकडाउन में लोग घर जाएं, और ये खाना बचा रखा है इन्होंने। और ये देखिए कि पुलिस की गाड़ी आती है जाती है, एम्बुलेंस आती जाती है। तो मैं रात में, सोचिए 50 दिन बाद ये हालत है लॉकडाउन के, सोचिए 50 दिन तक क्या हुआ, पूरे देश के लोगों को यहाँ से वहाँ कर दिया गया है बिना प्लानिंग के लॉकडाउन। और इस तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। पुलिस है, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, और शायद उनको ताकीद की गई है कि किसी को जाने आने ना दिया जाए, और इस वजह से इन लोगों को दिल्ली तो हम लोग को कोई सुविधा तो निकली होगा। तो काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं, और मैं आपको बताऊं कि अभी 100 से ज़्यादा लोग हाईवे से नज़दीक आ रहे हैं। क्या दिल्ली पुलिस क्या कह रही है? जाने के लिए बोल रहे हैं, 2-3 डंडे भी बजा दिए, डंडे भी मार रहे हैं जी। क्या कह रहे हैं? बोला बहनचोद इधर कहाँ आ रहे हो, जहाँ से आया वही जाओ। तो देखिए ये इस तरह के हालात हैं, और पुलिस अलग परेशान कर रही, ये है हालत। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है इन लोगों की। और दिल्ली पुलिस कहते हैं कि बहन को नींद हराम करके रख दिया तू लोगों ने, जल्दी जल्दी अपने रूम पे चले जाओ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।